नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्वशी जैन। जी हां, 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना जब बजट पेश करेगी तो उनके पिटारे से आम जनता के लिए क्या निकलेगा, ये तो एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से जीएसटी को लागू किया गया और तमाम अप्रत्यक्ष कर जो थे वो जीएसटी परिषद को सौंपे गए, तो देखना होगा इस बार जो आम जनता है उसकी सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं करनाल की अनाज मंडी का, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक सांगवान जी जुड़े हुए हैं। वहां पर व्यापारी और किसान वर्ग मौजूद हैं। आलोक जी, एक बड़ा सवाल है कि क्या सरकार लोक लुभावन बजट पेश करेगी, कितनी राहत मिलेगी, कितना फायदा होगा, क्या आम लोगों को संतुष्ट कर पाएगी मोदी सरकार अपने इस बजट के साथ? बिल्कुल उर्वशी, देखिए एमएचएन न्यूज की जो बजट यात्रा है वो करनाल पहुंच चुकी है और करनाल के अनाज मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं, चाहे आढ़ती हों या राइस सेलर से जुड़े हुए लोग हों या किसान हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपने तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से बजट में क्या लोग ये चाहते हैं, किस तरीके से वित्त मंत्री से क्या क्या चीजें इनके मन की बात है जो वित्त मंत्री को बताना चाहते हैं। सर, क्या चाहते हैं आप इस बजट में कि वित्त मंत्री आपके लिए क्या ऐसा करें जिससे आपको राहत मिले? मैं विनोद गोयल, राइस मिल प्रेसिडेंट करनाल। हम चाहते हैं कि राइस इंडस्ट्री जो हरियाणा में डूबती जा रही है, इसको बचाने के लिए सरकार कुछ करे, क्योंकि आपको विदित है कि प्रधानमंत्री ने कितने ही नए प्रोग्राम जैसे स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया, इस तरह के कई प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, परंतु जो पुराने उद्योग धंधे हैं हमारे, मझोले धंधे, राइस मिलर जो इंडस्ट्री है हरियाणा में, बहुत इसका एक्सपोर्ट होता है, कितने लाखों करोड़ों का हम राजस्व सरकार को लाकर देते हैं, पर वित्त मंत्री द्वारा हर बार इसमें कोई राहत नहीं दी जाती। जैसे कि अब आप किसान को ले लीजिए, उसको आप हर तरह से सब्सिडाइज रेट पर बैंकों से लोन देते हैं, सब्सिडाइज रेट पर बिजली देते हैं, सब्सिडाइज रेट पर हर चीज उसको मुहैया करा के, खाद पानी सब दे के उसको आप, तब जाके वो किसान की खेती फसल आती है। और हम भी उसी तरह से मझोले धंधे किए हुए हैं, हमें इतनी महंगी बिजली दी जाती है, सब इनपुट्स हमारे महंगे हैं, तो हम डूबते जा रहे हैं, हमारे ऊपर बैंकों का कर्ज बढ़ता जा रहा। मेरी वित्त मंत्री से मांग है कि राइस मिल इंडस्ट्री को भी हरियाणा में उठाने के लिए उनको सब्सिडाइज रेट पर बिजली दी जाए, सब्सिडाइज रेट पर ही बैंकों से 4% पर लोन दी जाए, क्या हर्ज है? अगर आपको इंडस्ट्री को स्टैंड अप करना है, स्टैंड अप इंडिया करना है, तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे शहरों से, जहाँ पे छोटे छोटे राइस मिल हैं, जहाँ पे छोटे छोटे आड़ती हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो खड़े हो सके जो पहले से चल रहे हैं, बजाय आप नए लोगों को प्रोत्साहन दें, पुराने लोगों को भी प्रोत्साहन में शामिल करें। मेरी मांग है वित्त मंत्री जी से कि आने वाले बजट में राइस इंडस्ट्रीज का जो मिलिंग चार्जेज है, बरसों से 10 रुपए है, उसको बढ़ाया जाए। आप सरकार का कस्टम मिलिंग राइस मांगते हो हमारे से, उसका 67% यील्ड मांगते हो, 67% आज किसान खड़े हैं, आप इनसे पूछ लो एक क्विंटल में 67% नहीं मिलेगा। हम उसका चाहते हैं वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे उसको 63 किलो किया जाए 100 किलो में से। और दूसरी बात, उसका जो मिलिंग चार्जेज है सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए में आज एक चक्की के एक क्विंटल आप जीरी कुटवाने जाएं तो क्या आपको 10 रुपए में कूट के दे देगा? आप खुद ही जानते हो, इसलिए उसका मिलिंग चार्ज 100 रुपए से क्विंटल 150 रुपए क्विंटल तक होना चाहिए। मेरी सरकार से ऐसी मांगे हैं। और अब CLSS है, क्रेडिट लिंक स्कीम जो सरकार ने चलाई थी, इसमें 15 लाख की सब्सिडी 1 करोड़ रुपये मशीनरी पे दी जाती थी, हरियाणा सरकार ने वो भी बंद करे हुए है। मेरी मांग है झारखंड सरकार में 30% की सब्सिडी है जो कि मशीनरी पे दी जाती है, अनलिमिटेड जितने करोड़ का प्रोजेक्ट लगा उस पर 30% आपको सब्सिडी मिलती है। मेरी सरकार से मांग है कि उसको यहाँ पर भी लागू किया जाए। और मार्केट फीस का मुद्दा है, आपने कहा वन टैक्स वन नेशन, कहा वन टैक्स वन नेशन, मार्केट कमेटी की फीस आज तक ऑल इंडिया में अलग अलग है, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, दिल्ली में अलग है, हम कम्पीट कैसे करेंगे? हमारे यहाँ 4% है, नरेला में 1% है, राजस्थान में 0 है, यूपी में 1% है, बिहार में 0 है। तो मेरी मांग है कि हरियाणा को अगर इंडस्ट्री को उभारना है तो इस मार्केट कमेटी की फीस को भी ऑल इंडिया लेवल पे एक किया जाए, ताकि हम आपस में वन नेशन वन टैक्स, और जीएसटी का मामला लगा लो आप, अब पेट्रोल डीजल आसमान को छू रहे हैं, अगर इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया कब तक
पेट्रोल और डीजल बराबर होने को 70 से 75 रुपए 40 35 रुपए का बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पेट्रोल डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और जो स्टेट काउंसिल की बैठक है उसमें भी ये चीज चर्चा का विषय है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके की ओर रिबेट दी जाए, ताकि ये जो इंडस्ट्री है राइस सेलर इंडस्ट्री, जिसके कारण करनाल को जाना जाता है, पूरी दुनिया में करनाल का जो चावल है वो जाता है, किस तरीके से रिबेट होनी चाहिए। मैं हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन का संरक्षण होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में राइस इंडस्ट्री पिछड़ रही है, कई सालों से पिछड़ रही है, क्योंकि इसके ऊपर खर्चा जो पहले पुराने जमाने में 10 रुपये सन 62 में सरकार ने मिलिंग चार्जेज तय किया था 10 रुपये कुंटल, उस टाइम में मजदूरी 1.5 रुपया डेली की थी, आज जो है ना 350-300 रुपये तक पहुँच चुकी है। दूसरे खर्चात काफ़ी बढ़ गए, बिजली के रेट कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, और मिलिंग चार्जेस वही 10 रुपया गिना जाता है। अभी पीछे उसकी रिपोर्ट आई थी टैरिफ कमीशन की, और उन्होंने बताया कि जी इनका खर्चा तो 110 रुपया आता है, मगर इनका जो आउटपुट है, जो इनके बाई प्रोडक्ट बचते हैं वो 170 रुपये के बचते हैं। तो हमारी मांग सरकार से ये है, मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सारे काम कंट्रोल किए हैं, तो राइस इंडस्ट्री एक किसान के साथ मिली हुई, किसान और राइस मिल इंडस्ट्री का चोली दामन का साथ है, हम किसान का दान लेकर के मिलिंग करते हैं और सरकार को सेंट्रल पूल में चावल देता है जो गरीबों के खाने के लिए काम आता है। और हमने पहले छोटी छोटी मिलें थी, अब सो टैक्स वगैरह सब कुछ लगा दिए, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और मिलिंग वही 10 रुपये। तो मिलिंग बढ़ाई जाए, आप ये कह रहे हैं कि मिलिंग बढ़ाई जाए। दूसरा इनकम टैक्स के मामले में जो ये नए कई तरह, कभी तो इसमें टीडीएस लगा दिया, सर्विस टैक्स लगा दिया, ये खर्चे एक ही मुफ्त टैक्स होना चाहिए, चाहे 20% लगाए, 30 लगाए, 40 लगाए, 5 लगाए, 10 कुछ भी लगाए। और ये जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं छूट में क्या है, अब दो लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की छूट है, क्या बनता है 20,000 रुपए मिलना। तो आप ये चाहते हैं कि स्लैब जो है उसको बढ़ाए, स्लैब जो है ना कम से कम 5 लाख रुपए तो कम से कम होना चाहिए, जिससे जो है ना एक आम आदमी जो है ना अपना खर्चात को पूरा करे। आजकल बच्चे भी हैं और भी अगर नहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अनपढ़ रह जाएंगे, बिल्कुल वो पिछड़े उसमें रहेंगे। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बात है कि स्लैब में बदलाव हो। आपकी क्या मांग है कि स्लैब में बदलाव, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कुछ जो फीस है उसको बढ़ाया जाए, जिस तरीके से जीएसटी को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, आप क्या चाहते हैं? ऐसे है, महाराज कुमार गुप्ता से ऐसे सर जी, भी जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स 5 लाख की छूट होनी चाहिए, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक उसमें 10% टैक्स होना चाहिए। गवर्नमेंट को इससे भी फालतू टैक्स मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, एक बहुत बड़ी चीज है, समस्या है भारतीय भाइयों को भी। सरकार ये कह रही है कि पहले जो छूट दी फिर भी लोग टैक्स नहीं भरते हैं, बहुत कम देश में ऐसे लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, टैक्स जो है भरने वालों की संख्या बहुत कम है, कैसे स्लैब में बदलाव करते हैं? नहीं सर, उसमें थोड़ा फर्क है, जो लोग स्लैब ज्यादा ना, जितनी स्लैब कम होगी उतना ही टैक्स ज्यादा जाएगा, गवर्नमेंट कम नहीं जाएगा। अब 10 लाख तक, 5 से लेकर 10 लाख 50,000 रुपया टैक्स बनता है, हर एक बंदा चाहेगा मैं 1 नंबर का पैसा बनाऊं अपना टैक्स, उसको आमदन चाहे 7 लाख की हो, वो कोशिश करेगा मैं 10 लाख की मैं अपना 1 नंबर का रुपया बनाऊं। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आप आड़ती हैं, तो आड़ती के लिहाज से आप क्या चाहते हैं कि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ऐसा क्या बदलाव करें कि आड़ती जो है, जो करनाल का आड़ती है, उसको राहत मिले, देश की आड़ती को राहत मिले? जो टैक्स में छूट है कम से कम 5 लाख रुपए तक की तो होनी चाहिए जी, और जो ये किसान की आय डबल करने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए पेट्रोल डीजल है जो ये जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। किसान की आय डबल कैसे होगी? जब तक किसान को सस्ती चीजें नहीं मिलेगी तब तक नहीं होने वाली है ये, तो ये जरूरत है। मतलब आर्थिक के नजरिए से कोई ऐसी फीस, कोई ऐसी चीजें आप चाहते हो कि वो उसमें बदलाव हो, कोई ऐसी व्यवस्था में बदलाव हो कि उससे आपको राहत मिले, वो बात? फीस पूरी समान होनी चाहिए पूरे देश में, एक समान होनी चाहिए या इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए।
ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो मार्केट फीस है उसके हिसाब से चीजों में फर्क पड़ता है। जिस तरीके से इनका कहना था कि नरेला में 1% है, तो जाहिर तौर पर इस तरीके से यदि एक समान मार्केट फीस नहीं है तो उससे कुछ चीजों में बदलाव होता है। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की चीजों में वित्त मंत्री बदलाव करें ताकि आप लोगों को राहत मिले? मैं वित्त मंत्री से ये डिमांड रखूंगा कच्चा आर्थिक की तरफ से कि हमारी जो टैक्स प्रणाली है वो सरल होनी चाहिए। आज हमारे देश में जो व्यापारी है वो इतना ज्यादा हाई पढ़ा लिखा नहीं है, और है तो वो इतनी टैक्स प्रक्रिया हमारी इतनी जटिल है, उसको समझने में भी वक्त लग जाता है। अब आज एक आम आदमी टैक्स इनकम टैक्स से घबराता है, क्यों घबराता है? उसकी टैक्स प्रक्रिया बहुत जटिल है, कई तरह के फार्म है, और जो आज कोई भी व्यापारी है टैक्स भरने को तैयार है। जो इनकम टैक्स का खोप है वो जनता से निकलना चाहिए। व्यापारी के मन से इनकम टैक्स का जो खोप है, अफसरशाही है, अफसरों का जो खोप है, जब तक वो नहीं निकलेगा इनकम टैक्स कभी भी व्यापारी इसमें सहयोग नहीं करेगा। सरकार तो ये कहती है कि इंस्पेक्टरी जो राज है उससे निजात दिला दी गई है, आप कह रहे हैं कि अफसरों का खौफ अब भी है। कहाँ दिला दी गई है? इंस्पेक्टर राज बढ़ता जा रहा है, कौन कहता है घटता जा रहा है? इंस्पेक्टर राज बढ़ता जा रहा है। टैक्स प्रक्रिया में कोई भी सरल नहीं हुआ, आज टीडीएस है। टीडीएस काटने की जरूरत क्या पड़ी? पहले व्यापारी से टीडीएस काटा जाता है आड़त के ऊपर, हमारे जो आड़त है उस पर टीडीएस काट देता है, उसको रिफंड करवाने के लिए साल साल हमें धक्के खाने पड़ते हैं इनकम टैक्स में, उसके लिए हमें वकील की सहायता लेनी पड़ती है, वकील को फीस देनी पड़ती है। इसलिए मैं तो वित्त मंत्री से डिमांड करूंगा जितनी टैक्स प्रक्रिया सरल होगी उतना ही देश में टैक्स बढ़ेगा, और एक आम आदमी, आम व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी भी टैक्स देने को तैयार होगा। सर आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से व्यापारी को राहत पहुंचाई जा सकती है? वित्त मंत्री वो एक फैसला लें जिसके जरिए कहीं ना कहीं देश के व्यापारी को, आढ़ती को, उसको एक राहत मिले। मैं जयपाल गर्ग, आढ़ती, करनाल मंडी से। मेरी भी यही राय है कम से कम 10 लाख की छूट होनी चाहिए इनकम टैक्स में, ताकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं भाई सारा काम कैशलेस होना चाहिए, मतलब चेक के जरिए काम होना चाहिए। अगर कि आदमी आड़ती के पास या किसी भी व्यापारी के पास रोकड़ नहीं बनेगी, इतना टैक्स नहीं दे सकता, वो कैसे चेक से काम कर सकेगा? दूसरी बात यह है आड़ती को भी बहुत कम रेट पे बैंक से पैसा मिलना चाहिए ताकि वो अपना व्यापार सही ढंग से कर सके। तीसरी बात मार्केट फीस की है, हमारा आज नरेला मंडी में 1% मार्केट फीस है, सारा माल है तो वो नरेला मंडी में जाता है, करनाल मंडी में 4% मार्केट फीस है, इसलिए यहाँ माल कोई आते नहीं है, बिल्कुल खाली मंडी है। अब जाकर देखो नरेला मंडी में पूरा माल आता है, क्यों आता है? वहाँ मार्केट फीस कम है, व्यापारी को लेने वाला जो खरीदार होता है उसको 1% फीस भरनी पड़ती है, यहाँ से माल खरीदता 4% फीस होती है। इसलिए कई बातें हैं जो इनकम टैक्स की के लिए जो हमारी छूटी होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है किसी पास, इनकम व्यापारी भी है एग्रीकल्चर पे भी उसको ऐड करके टैक्स लगा देती है, इसलिए इनकम एग्रीकल्चर पे छूट नहीं होती। एग्रीकल्चर कम से कम छूट होनी चाहिए व्यापारी के लिए, जब जिम्मेदार के लिए छूट है तो व्यापारी के लिए क्यों नहीं छूट हो? ठीक है, तो ये जो मार्केट फीस है उसका एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि दूसरी जगह पर जहाँ पर मार्केट फीस कम है वहाँ पर लोग चले जाते हैं। एक टैक्स स्लैब में जो बदलाव लोग चाहते हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो, पहले से ज्यादा छूट उनको मिले। लोगों का ये मानना है कि यदि टैक्स स्लैब में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो लोग हैं वो टैक्स सरकार को देंगे, उससे एक फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं सर, किस तरीके से एक जो जमींदार है, जो किसान है, उसको राहत मिल सकती है? सरकार ये कहती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, किसानों को राहत दी जाएगी, आपकी क्या डिमांड है वित्त मंत्री से? रतनमान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। 1 फरवरी को जो देश का आम बजट वित्त मंत्री जी पेश करने वाले हैं 2018-19, आज के दौर में जो जिस स्थिति में किसान गुजर रहा है उसमें इस बजट में बहुत कुछ किए जाने की अपेक्षाएं हैं, और जितने देश के एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर्स के, हमारे जो नेता हैं, मौजूदा सरकार है वो भी संसद में इस बात को मान चुकी है कि खेती घाटे का सौदा है, और हालात यहां तक खराब हो गए हैं किसान के कि वो अगर अपनी लड़की की शादी करना किसान को नहीं चाहेगा, वो किसी एक चपरासी को अपनी लड़की की शादी करना चाहता है, और आजकल जो नौजवान है वो खेत की तरफ जाना नहीं चाहता। हम वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं, और उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक भी है, जो खेती के अंदर लागत आती है उसका 50% लाभ जोड़ के दिया जाए। इस बार अगर जय किसान बजट
सरकार लेकर आना चाह रही है, तो मैं सिर्फ एक मात्र ही वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि जो खेती में जो लागत आती है उसमें 50% लाभ जोड़ करके ये पद्धति लागू कर दी जाए। और मैं ये अच्छी तरह समझता हूं कि जो आज मैं अन्यवर्ग की बात के जोड़कर नहीं चल रहा, आज किसान की आत्महत्याएं करने के ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस सरकार में और भी ज्यादा ये ग्राफ बढ़ा, आए दिन आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कोई आत्महत्या कोई शौक में या उसमें नहीं, गरीबी और मजबूरी में करता है, और इसी दौर इसी माहौल में आज किसान गुजर रहा है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो खेती लाभकारी होगी, लाभकारी जो गांव से आज मजदूर पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे वित्त मंत्री जी इस पद्धति को लागू करें, जो शहरों में जो आबादी बढ़ रही है, श्रम बस्तियां बढ़ रही हैं और गांव से मजदूर पलायन कर रहा है, जब लागत में 50% का लाभ मिलेगा, खेती लाभकारी होगी, उससे मजदूर लौट के गांव में वापस आएंगे, ये जो सबसे बड़ी आज देश की समस्या है, खेती को मजदूर मिलेगा, और जो फूड सिक्योरिटी के सरकार पहली सरकार भी लेके आई है, तो किसान के लिए रोज इनकम की गारंटी होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी, अगर इसमें एक जो मामूली सा सरकारी चौकीदार होता है, पीएन होता है, कितने उसकी सैलरी के मुताबिक आय की सिक्योरिटी किसान और मजदूर की होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि कृषि प्रधान देश है और यहां कृषि मरने के कगार पे है, तो इसके बचाने के लिए वित्त मंत्री जी को लागत में 50% जोड़ के दें, किसान और मजदूर की आय को सुरक्षित करें, ताकि किसान भी बचे, खेती भी बचे और ये देश भूख की तरफ ना जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों की चिंता जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता ने अपनी तरफ से प्रकट की है कि लागत जो है उसमें कहीं ना कहीं जो मुनाफा है वो जोड़कर दिया जाए, किसान को स्थिति से उभारने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। करनाल के अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। किसान वर्ग जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले किसान नेता ने बताया था कि किस तरह की चिंता किसान को लेकर है और वित्त मंत्री से उन्होंने मांग की थी, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की और चीजें की जाए ताकि किसान जो है उस स्थिति से बाहर आ सके, क्योंकि किसान को लेकर बार बार चिंता प्रकट की जाती है और बार बार सरकार भी चिंताएं जताती है। मैं नाम श्याम सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री भारतीय किसान, मेरा सरकार से मांग है जो गांव में बसने वाला किसान और मजदूर को जो कर्ज मुक्त घोषित करो, पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण से किसान और मजदूर जो कर्ज बंद हो चुका है और उसी के कारण देश में आए दिन आत्महत्याएं जो बढ़ रही है। जब तक किसान और मजदूर को संपूर्ण रूप से कर्ज मुक्त घोषित नहीं किया जाता तब तक मैं समझता हूँ कि इस देश में विकास की बात करना बेमानी। मगर देश के वित्त मंत्री का ये कहना है कि केंद्र सरकार कर्ज मुक्त नहीं कर सकती, प्रदेश सरकार को अपने फंड से कर्जा माफ करना होगा, जबकि कॉरपोरेट घरानों का पिछले साल में अगर मैं आंकड़ा दूं 77,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेट घरानों का जो है बट्टे खाते डाल दिया गया है और राज्य सरकारों की किसी प्रकार से भी कोई जिम्मेवारी तय नहीं की गई है, उसी प्रकार से किसान और मजदूर का भी जो कर्ज जो है मुक्त किया जाए, बट्टे खाते डाला जाए और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भुगते उसको। जब किसान और मजदूर की बात आती है तो सरकार जो बहानेबाजी ढूंढती है और जब कॉरपोरेट घरानों की बात आती है तो बट्टे खाते 70,000 करोड़ रुपए किसी को पता भी नहीं लगता, रातों रात जो फाइलों में दबा दिया जाता है, तब कोई देश में घाटा नहीं पड़ता, सरकार को कोई घाटा नहीं होता, किसी को कोई चिंता नहीं होती। क्या आपको लगता है कि कर्ज माफी ही एक ऐसा हल है जिसके जरिए किसान को उभारा जा सकता है, या कुछ और ऐसा वित्त मंत्री करें जिसके जरिए किसान की स्थिति सुधरे, क्योंकि बार बार कर्ज माफी करवाना भी कोई हल नजर नहीं आता है। कर्ज माफी एक बार तो सरकार को करनी ही पड़ेगी, कर्ज माफी करने के बाद फिर इसके फसलों के दाम ठीक किए जाएं, और दूसरी बात खेती के अंदर जो हमारे उपकरण इस्तेमाल होते हैं उनके दाम इतने बढ़ा दिए गए कि आम किसान, छोटा किसान, क्योंकि आजकल हमारी खेती भी घट गई है, जमीनों की जो पहले संख्या थी 1 एकड़ की वो घट गई है, छोटी हो गई है,
तो छोटा किसान बिल्कुल भी लेने में सक्षम नहीं है। जो पेस्टिसाइड है हमारे, जो भी हमारे खेती के अंदर सामान इस्तेमाल होने वाला है, उस पर छूट दी जाए, उसके दाम कम किए जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो किसान का कभी भला नहीं हो सकता। किसान ने जैसे सरकार ने जैसे जो बात कही है कि इस बार का जो बजट है वो जय किसान के नाम से, खाली कहने से जय किसान कभी नहीं होगा, ना लिखने से जय किसान होगा, जो होगा तो करने से होगा। कई स्कीम में सरकार ने ऐसी गलत चलाई है, जैसा कि नरेगा स्कीम। आज खेती के अंदर बिल्कुल जो मजदूर है बिल्कुल नदारद है, कोई भी मजदूर नहीं मिलता, जिसकी सीधी वजह है नरेगा स्कीम, और जिसका देश के ऊपर पूरा एक तरफा बोझ है और कोई भी 1% कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि इस स्कीम को या तो हटाया जाए या इसको खेती से जोड़ा जाए, ताकि किसान का भला हो और देश के ऊपर बोझ भी ना पड़े। मेरा ये निवेदन है, ये किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार बीजेपी सरकार ने कहा था कि कहीं ना कहीं यूपीए की स्कीम है और उसको जिंदा रखते हैं ताकि यूपीए जो है उसको याद करती रहे कि उनकी स्कीम है, और आज भी उन्होंने जिंदा रखी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बार बार जिस तरीके से कर्ज माफी हुई, इन्होंने कहा कि एक बार कर्ज माफ करना पड़ेगा, क्या कर्ज माफ के अलावा किसान जो है दूसरी वैकल्पिक कुछ चीजें, जिसको ये कहा जा रहा है कि वैकल्पिक खेती करें, उस तरह की परंपरागत खेती को छोड़ दें, तो आप चाहते हैं कि वित्त मंत्री उस तरह की व्यवस्था को कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से लोगों को बताएं और उस तरह की चीजें हों? 40 साल की उम्र होगी जी मेरी, शुरू से खेती कर रहा हूं। पहले खेती में वादा था घाटा ही घाटा है, इसका खर्च बहुत बढ़ गया, आमदनी नहीं है, सब मजबूर हो गए, और पहनने ने कपड़ा नहीं और खाने पीने ने सामान नहीं, इसका लिए कर्ज माफ करना चाहिए और सारा सौदा में ही कम कराया जाए, GST है या हटाई जाए। मान साहब, बार बार जिस तरीके से चीजें की जाती हैं, किसान के लिए लोन की स्कीम बनाई जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो किसान कर्जवान हो जाता है, तो आखिर किस तरीके से, यदि लोन की स्कीम ना हो तो फिर आप लोगों की यूनियन ये मांग करती है कि लोन जो है किसान को सस्ती दर पर दिया जाए, अब वो लोन दिया जाता है तो कर्जवान हो जाता है, बीच का रास्ता क्या है और वित्त मंत्री क्या करें? हमने कभी भी सरकार से लोन लेने की मांग नहीं की, लेकिन किसान को आर्थिक तौर पर काबू करने के लिए सरकार खुद बे खुद कर्ज लेने की योजनाएं लेकर आती है। मैं थोड़ा सा अगर पीछे विगत में जाऊं, शुरू में 2000 रुपए का किसान को कर्ज देना शुरू किया था, 2000 दिया नहीं गया, उसको फिर बढ़ा दिया, वो नहीं दिया गया फिर बढ़ा दिया, बढ़ते बढ़ते आज वो 2000 रुपए लाखों रुपए में कन्वर्ट हो गए, और उसी की वजह से आज किसान आर्थिक तंगी झेल रहा है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, खेती को सरकार ने लाभकारी बनाना होगा, जो इनपुट्स खेती में हमें डालना पड़ता है, खाद है, बीज है, दवाई है, ट्रैक्टर है, जितने औजार है, क्या वैकल्पिक खेती भी उसका कोई विकल्प है क्या, जिसको जैविक खेती कहा जा रहा है या फिर परंपरागत खेती से हटकर दूसरी चीजें की जाए, इस तरह की अपील बार बार कृषि मंत्री करते हैं? उसके लिए किसान को योग्य बनाया जाएगा, उसके लिए ट्रेंड किया जाएगा, और जहां तक मैं समझता हूं पारंपरिक खेती में लौटकाना होगा। आज इतना जहर जो हरी क्रांति के नाम पे, जो हरी क्रांति आई उसमें इतना जहर खेतों में डाला जा रहा है, जिससे आज पेट में पैदा होने वाला बच्चा, कोई आंख से कोई अपंग पैदा हो रहे हैं। तो पेस्टिसाइड सस्ते करने की बात कर रहे हैं अभी आपके साथियों ने कहा कि कुछ दवाइयां सस्ती की जाएं, सस्ती होंगी तो लोग और डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उसे ज्यादा डाल लेंगे, वो तो आवश्यकता के सरकार कह रही है 100 कार्ड देंगे हम, जितनी आवश्यकता हो उतनी डाल लेंगे, लेकिन इनसे परे हटके जब खेती होती थी तब देश में अनाज खाता था, आज इनको डाल करके सभी चीजों को डाल करके आज अनाज बढ़ा है, लेकिन मैं कहता हूं जहर बढ़ा, जहर की मात्रा उसमें अनाज में ज्यादा आई है, और जो इस तरह का पाप खेती के माध्यम से हो रहा है, हम अच्छी खेती करें, पारंपरिक खेती करें, बीज हमारे हो, खाद हमारा हो, उसमें लागत कम आएगी, कम लागत आएगी। किसान तो इसलिए जो हालात मौके की हालात की जो खेती है, इसलिए कहता है कि मैं ज्यादा उत्पादन करूं ये चीजें डाल करके, और मैं कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा,
इसलिए वो चाहता है कि ये जो मौके के जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, इनके रेट कम कर दिए जाए। अभी हरियाणा सरकार ने जो भावांतर अंतर की एक स्कीम लागू की थी कहीं ना कहीं सब्जियों को लेकर, आप चाहते हैं कि उस कदर इस तरह की चीजें जो MSP निर्धारित किया जाता है अलग अलग फसल का, उसको लेकर कुछ और ऐसी चीजें की जाएं ताकि किसान स्थिति से बाहर हो, वित्त मंत्री उस कदर उस तरह के फैसले लें? जो भावांतर की बात आई है अच्छा कदम है, किसान को लगेगा मुझे इतना तो इसका मिले ही मिलेगा बाजार में भाव, लेकिन उससे अच्छा ये होगा खेती एक ही समय पर आती है, धान आएगा, गेहूं आएगा, टमाटर आएगा, जो सब्जियां भी आएंगी उसका एक टाइम होता है और वो बाजार के अंदर रो आ जाता है एकदम से और वो ओणे पौने दामों में चले जाते हैं। सरकार को इसके लिए भंडारण की व्यवस्था देनी होगी, किसान उसका भंडारण करे, अपने घर में तो वो कर नहीं सकता, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, गोदाम अच्छे चाहिए और जब भाव आए बाजार में तो किसान वहां से निकाल करके बेच दे। तो यही आज तक इस तरह की हमारी डिमांड बहुत कई दशक से रही है, सरकार इस तरफ हाथ नहीं बढ़ा रही है और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई है डॉक्टर स्वामीनाथन ने इसमें बहुत कहा है भंडारण के लिए, और हम भी मांग करते हैं बाजार के अंदर ज्यादा माल आ गया उसकी मांग घट गई तो फिर उसका भाव भी घटेगा, माल कम होगा तो निश्चित रूप से तो उसका फिर रेट आएगा, किसान उस टाइम अपनी फसल को बेच सकता है। इसके लिए सरकार ने भंडारण करने की गांव गांव में देने हो। एक मेरा दूसरा इसमें है कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था जब स्वराज देश में आएगा कुटीर उद्योग गांव में आए, कुटीर उद्योग आएंगे उससे हम जो हम पैदा करते हैं उससे पक्का माल तैयार करेंगे और पक्का माल तैयार करके उसको बाजार में लेकर के जाएंगे। अब हमारा कच्चा माल आता है मंडी में आता रहा था वो किसी भी कीमत में उठ के चला जाता है और कुटीर उद्योग ना होने की वजह से किसान का उद्योग कोई ना होने की वजह से मजदूर चला गया। पहले गांव में मजदूर बर्तन बनाता था, कपड़ा बनाता था, दूसरी और खेती में आने वाली चीजें बनाता था, आज वो सब वो उद्योग भी लूट गए और बड़े बड़े इंडस्ट्री लोगों ने उन पर काबू कर लिया। तो हम ये चाहेंगे कि एक चावल का एक छोटा सा एक पार्ट मशीन आती है बाहर से, मेरे धान की फसल में उसको सुखा के रख लूंगा और वो मुश्किल से 3 हॉर्स पावर की मोटर पे या 5 उसमें चल रही और एक होलर सिस्टम होता है उद्दे, जब मेरी फसल होगी मैं सुखा के रखूंगा, आज 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी मैं उसे करूंगा और बाजार में उसकी मार्केटिंग भी करूंगा। तो ये जो छोटे छोटे जो प्रोसेस करने के तरीके हैं वित्त मंत्री जी ने उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और मुझे खेती से हट करके जब मैं फिर 5 महीने बेकार गांव में घूमता हूँ, कोई मेरे पास कोई दूसरा रोजगार नहीं होता, तो इस तरह के छोटे छोटे कुटीर उद्योग लाने चाहिए ताकि कच्चे माल को किसान भी पक्का करके उसको बाजार में बेचे। मतलब कई जगह से इस तरह की भी वो आ रही है कि क्यों ना किसान की भी पेंशन की जाए, आप लोगों जैसे संगठन इस तरह की मांग करते हैं कि एक किसान जो देश के लिए कमाता है, जो अनाज पैदा करता है, उसको जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो उस तरह की पेंशन की व्यवस्था की जाए, क्या आप मानते हैं कि सरकार को इस तरह की योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए? इस तरह की योजना एक ही झटके में लागू हो सकती है अगर सरकार की किसान और मजदूर जो गांव में वास्तविक किसान मजदूर की बात करूंगा मैं, यहाँ वास्तविक जो खेत में काम करने वाला किसान और मजदूर है निश्चित तौर पे उसको 60 साल की आयु होने के बाद 5 लाख रुपए एक मुश्त पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के रूप में मिलना चाहिए। ये हमारी पिछले एक साल से हमारे जितेश्वर के दौरान ये मांग प्रबल हमारी मांग है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। किसान और मजदूर आज इतने हालात खराब है कि गांव में हाहाकार मची है बीमार की, इलाज नहीं करवा पाते हम, 5 लाख रुपए का कैशलेस मेडिकल मिलना चाहिए, इसके पेंशन के अलावा ऑनलाइन कैशलेस मेडिकल उसको मिलना चाहिए ताकि बीमारी में वो आसानी से जाकर के अपना इलाज करवा सके। ये बिल्कुल जो आपके चैनल ने इस बात को MS न्यूज ने ये बात कही है कि पेंशन के मामले में, मैं इसके लिए आपके चैनल का आपका आभार भी व्यक्त करूंगा और निश्चित तौर पर मेडिक्लेम जैसे और वर्ग को मिलता है
उस तरह की सुविधा इनको भी मिलनी चाहिए और पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मान साहब, जिस तरीके से मेडिकल क्लेम की बात कर रहे हैं कि मेडिकल सुविधाएं सीजीएचएस की सुविधा जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में मिलती है उसी तरीके से किसानों को मिलनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। के बाद हम सभी करनाल की अनाज मंडी में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो बने हुए हैं। एक बार फिर से हम आपके पास आना चाहेंगे सर, जो राइस मिलर एसोसिएशन है उसको किस तरह की व्यवहारिक दिक्कत है जो आप चाहते हैं कि वित्त मंत्री उस दिक्कत को दूर करें? मैं सांगवान जी आपको बताना चाहूंगा कि राइस मिलर्स एक इंडस्ट्री है, ना कि राइस मिलर जरूर है पर वो एक इंडस्ट्री में गिना जाता है जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हरियाणा और खासकर करनाल से विदेशों में जाता है। हम बाहर का रेवेन्यू लेकर, तो हम चाहते हैं कि जो हम टैक्स उसमें देते हैं, इनकम टैक्स या सेल टैक्स जो हम भरते हैं, उसका 5% सरकार उसमें से अलग निकाल के हमारे व्यापार के लिए, हमारे राइस मिलर्स के लिए एक सुरक्षा कोष बनाया जाए, जिसमें से जब हम 70 साल के हो जाते हैं उसमें से उसके उसी पैसे में से हमें 5% में से ही उन बूढ़े लोगों को जो अब काम करने के योग्य नहीं रहते उनको पेंशन दिया जाए, क्योंकि टैक्स वी आर टैक्स नॉट टैक्स पेयर बट वी आर टैक्स कलेक्टर। हम टैक्स कलेक्ट भी करते हैं, जो उपभोक्ता है उससे टैक्स कलेक्ट करके सरकार को हम देते हैं, इसलिए हमारी भी सामाजिक सुरक्षा का सरकार इस बजट में ध्यान रखे और जो टैक्स हम देते हैं उसमें से कुछ निकाल कर उसको सुरक्षा के तौर पर हमें दिया जाए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो हेल्थ का मामला है, विदेशों में सब हेल्थ फ्री है, एक टैक्स पेयर आदमी जो करोड़ों रुपए अपने जीवन में टैक्स देता है और जब वो बुढ़ापा में आता है या उसका बिजनेस फेल हो जाता है और वो किसी बड़े अस्पताल में जाकर मर जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि उसका बिल भर सके, जैसे आपने देखा पीछे 25-25 लाख के बिल आते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जो आदमी एक लिमिट रखी जाए 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए यहाँ तक भी टैक्स भरता है उसकी, उसको कैशलेस मेडिक्लेम होना चाहिए। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जैसे एक आप एम्प्लॉयज को अमेरिका में भी इलाज कराने के लिए तैयार रहते हैं, एक ऑफिसर जो सारी उम्र तनख्वाह लेता है, पेंशन लेता है, मेडिकल भी लेता है, उससे ज्यादा हम उसका टैक्स जो तनख्वाह लेता है वो हम ही इकट्ठा करके सरकार को देते हैं। तो हमारी सरकार से निवेदन है वित्त मंत्री जी से कि उनकी भी सामाजिक सुरक्षा का, राइस मिलर्स हो चाहे दूसरे छोटे कोटे उद्योग हो, उनकी भी सामाजिक सुरक्षा मेडिक्लेम द्वारा की जाए। एक सर दूसरा जो आपने कहा कि आप लोग बहुत सा चावल ऐसा है जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट के स्तर पर आपको लगता है कि सरकार ने जो तमाम इंतजाम किए हैं या सरकार की जो पॉलिसी है वो सही है या उसमें भी आप चाहते हैं कि कोई अमेंडमेंट हो? उसमें ये हम चाहेंगे, जैसे अब हमारा राइस जब यहाँ से डिलीवर होके पोर्ट पे चला जाता है, कांदला से भी डिलीवर हो जाता है, मान लो सऊदी चला गया और वहाँ उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा बताकर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, करोड़ों रुपए का चावल, अरबों रुपए का चावल कई बार वहाँ पे सड़ा और वो औने पौने दामों में व्यापारियों को बेचना पड़ा। मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इसमें जो टेस्टिंग लैब है, ऑल इंडिया ISI मार्केट जो टेस्टिंग लैब है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब इंडिया में होनी चाहिए, दिल्ली में होनी चाहिए, जब वो राइस जाए उसका टेस्ट यहीं पे हो, अगर वो फेल है तो यहीं उसको रोक लिया जाए, वो बाहर जाने नहीं दिया जाए। क्या अभी हिंदुस्तान में इस तरह का कोई सुविधा नहीं है? और ये मैं तो कहता हूँ बल्कि जिले लेवल पे जो CMR कस्टम मिलिंग राइस हम देते हैं सरकार को, उसमें भी ये सुविधा होनी चाहिए। क्या है, मैनुअल प्रक्रिया है, हाथ से दाना छांटते हैं, 3% डैमेज है, 25% टुकड़ा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरा चावल लगा लो ये 25 की बजाय 28 का, तो आप पैसे लेके लगा लोगे। मैं चाहता हूँ उसको भी ऑनलाइन, जो सरकार ने हर चीज में आधार कार्ड को जोड़ के ऑनलाइन कर रहे हैं, उसको भी ऑनलाइन किया जाए, मशीनी रूप से किया जाए, और ताकि वो उसमें कोई गड़बड़ी की चांस ना हो, भ्रष्टाचार को। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जितना भ्रष्टाचार है शायद सर देश की कोई संस्था ऐसी नहीं जिसमें FCI से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं हो, गेट कीपर से लेके तोलने वाले से लेके टेक्निकल असिस्टेंट से लेके सबके दाम फिक्स हैं जब जाके वो काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि राइस मिलर को इन जो भ्रष्टाचारी हैं इनसे निजात दिलाई जाए और इस सिस्टम को सुधारा जाए। ई वे बिल की बात है, अब जो मेरा कहना यह है राइस मिलर पे GST नहीं है, राइस जो खुला राइस है उस पर GST नहीं है, जब उस पर GST नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, तो मैं चाहता हूँ उसका ई वे बिल भी ना हो।
जब मेरी कंसाइनमेंट दिल्ली जा रही हो, मैं उसमें 2 घंटे का टाइम लिखूं, 3 घंटे का ट्रांसपोर्टर से मिलाऊं, इतनी प्रक्रिया में क्यों जाना चाहती है सरकार हमें? सरकार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करने के लिए उस तरह की चीजें की जा रही है। ई बिल के माध्यम से पता लग पाएगा कि यहाँ से एक प्रोडक्ट वहाँ जा रहा है, तो उसमें क्या व्यवहारिक तौर पर दिक्कत है वो बताएं। व्यवहारिक तौर पर दिक्कत ना हो, एक मुझे उसके लिए 2-3 लाख रुपए का अकाउंटेंट एक्स्ट्रा में, मेरी इनकम इतनी नहीं है पहले से। ईवे बिल बनाने के लिए आपको पहले ट्रांसपोर्टर से भी कनेक्शन में लेना पड़ेगा, उसको भी रास्ते का वो बनाना पड़ेगा भागीदार, जिसके माल पास जा रहा है उससे भी आपको ऑर्डर बर्ड लेना पड़ेगा, तो इसकी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाएगा और डिलीवरी लेट हो सकती है, पैसा लेट हो सकता है। जब तक कंसाइनमेंट वहाँ पहुंचेगी, रास्ते में ट्रक खराब हो गया तो उन्होंने तो ईवे बिल में टाइम फिक्स कर दिया, उसका रीजन देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि जटिल प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए, और ईवे जो एग्जेम्प्टेड चीजें हैं, जो एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं, उन पे मैं समझता हूँ ईवे की कोई जरूरत नहीं है, वो उसको उसमें ना लिया जाए, उस दायरे में मेरी ऐसी मांग है। सर आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की चीजें होनी चाहिए? वित्त मंत्री जी, मैं शमशेर सिंह नाज मंडी करनाल से, मैं ये चाहता हूं जो भी किसान वर्ग है, गरीब वर्ग है, सभी के लिए सरल मतलब बजट आना चाहिए। और मेरी राय ये है, जो हम इनकम टैक्स चक्कर काटते हैं, हमारा टैक्स फ्री है, छोटे से लेके बड़े आठ तक हमारा टैक्स फ्री है, हम महीने में 4-4 चक्कर लगाते हैं और ये चक्कर में हम है ना मतलब बहुत बर्बाद हो रहे हैं, जितने भी आड़ती हैं, छोटा हो या बड़ा हो। मेरी अपनी जेटली साहब, टैक्स फ्री है फिर क्यों लगाना पड़ता है, चक्कर क्या है हमारा? और हमने इसके राउंड लगाने पड़ रहे हैं, अगर हम उसके ले रखे ना आपने, वो जीएसटी हमने ले रखा है, नंबर नहीं होना चाहिए, उसका नंबर हमारा नहीं होना चाहिए जीएसटी, जितनी में हम आड़ते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, हमारे जीएसटी का नंबर नहीं होना चाहिए। मेरी बेनती है इसको मतलब है ना फ्री किया जाए। आप चाहते हैं कि वित्त मंत्री किसी तरह की जो चीजें हैं उनमें, जैसे कि आपने पहले बताया था मार्केट फीस थी और कुछ चीजें थी, तो अब आप और क्या चाहते हैं कि ताकि व्यापारी को लाभ मिल सके, जिस तरीके से बताया कि इनकम टैक्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, उस तरह की चीजें ना हो, ये बिल जो है उसका सरलीकरण किया जाए, और क्या किया जाए? जैसे हमारे मान साहब ने बताया भी, जिम्मेदारों को पेस्टिसाइड महंगा मिलता है, सब चीजें महंगी मिलती है, पेट्रोल महंगा मिलता है। मेरी सबसे ज्यादा एक ही सबसे ज्यादा मांग है भी, स्वामीनाथन आयोग जो हमारा हुआ था वो क्यों लागू हो रहा? मेरी बड़ी भारी इस बात की मेरे मन में टीस है, वो क्यों लागू है? अगर वो लागू हो जाते ना, हमारी जिम्मेदारों की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हल हो जाएगी, जिम्मेदार खुशहाल होगा, जिम्मेदार खुशहाल होगा तो 8 दिन होगा, हम अपने आप खुशहाल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे हमारे चौधरी देवीदास जी कहते थे, मैं जिम्मेदार रेट तो जिम्मेदारों को बढ़ाता हूँ, 8 दिन ऑटोमेटिक 8 बढ़ जाती है, खुशहाल हो जाते हैं। मेरी सबसे ज्यादा सबसे मेरी मांग ये है, हमने एक तो हमारी ये जो इनकम टैक्स की स्लैब है ना, ये ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम खुले में काम कर सके। अगर हमारी ये स्लैब कम हो गया, हम खुले में काम नहीं कर सकते। ये दूसरा, हमारे को कम रेट में ब्याज पे पैसा मिलना चाहिए आड़ती को। तीसरी, ये स्वामीनाथन आयोग अगर लागू हो जाता ना, हमें मेरी सबसे बड़ी मांग ये है, स्वामीनाथन आयोग हम खुशहाल हो जाएंगे, जिम्मेदार भी खुशहाल, व्यापारी भी खुशहाल। ये एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए अभी तक जैसे किसान तमाम जो है वो बार बार मांग कर रहे थे, मगर इस बार आड़ती भी अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो लागू हो, ताकि यदि देश का किसान खुशहाल होगा तो देश का आड़ती भी जो है उसको भी मुनाफा होगा, और तमाम जो चीजें हैं उनके बीच में एक बार फिर से किसानों के पास आना चाहेंगे। सर, जिस तरीके की व्यवस्था सरकार में हो चली है, उस तरह की व्यवस्था के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि किसान परिवार से नौकरी भी दी जाए, एक किसान परिवार के एक व्यक्ति को घर में से नौकरी मिले, तो आप क्या चाहते हैं कि बजट में इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाए, या फिर कोई और तरीका है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने का? एक तो जो किसान के परिवार की आय है वो पक्की होनी चाहिए, क्योंकि आज तक किसान की आय ही पक्की नहीं है, सुनिश्चित आय होनी बहुत जरूरी है। कई बार रिपोर्ट हमने देखी है कि किसान की आय इतनी कम है कि आज इस महंगाई के दौर में पूरा पाटना बहुत मुश्किल है, तो ये भी बहुत जरूरी है। रोजगार की जो समस्या है देश के ऊपर, ये खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो किसान का जो सामान जो इस्तेमाल करता है खेती के अंदर, जो उपकरण है उनके ऊपर जो जो जीएसटी लगाई गई है वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। किसान को जो भी सामान जो खेती में इस्तेमाल होता है, चाहे वो दवाई है या कोई उपकरण है, उस किसी के ऊपर भी जीएसटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जीएसटी रहित मिलना चाहिए उसको।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि देश के वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि एक देश के आम आदमी को राहत देने के लिए, एक किसान को, एक आढ़ती को, एक राइस सेलर को किस तरीके से राहत दी जा सकती है, देश के वित्त मंत्री को वो काम, वो कौन सा फैसला है जो लिया जाना चाहिए? किसान को जो खेती में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट है, दवाई खाद, इतनी स्पीड से रेट बढ़ रहे हैं उनके, इतनी स्पीड से जो किसान के जो फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, तो जो यो मिस गैप है इसको ठीक किया जाए और जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है फार्मर के उन पे जो टैक्स लगा है वो कम से कम उसको हटाया जाए जब किसान अपना अपना, और जो हमारी जो कॉस्ट है उसको लागत के हिसाब से देख के उसका जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट लागत जोड़ के उसका जो प्रॉफिट किसान को दिया जाए 50% जो सीएम आपने पीएम साहब ने हमें जो बोला था इलेक्शन के टाइम, उसकी हमारे पास स्पीच है, आपको सुनवा भी देंगे, वो सारे देश ने सुनी है कि आपका हम जो मुनाफा है डबल कर देंगे, तो डबल तो सरकार ने बोल दिया लेकिन उसको डिटेल तो किया नहीं, कैसे डबल करेंगे, ऐसे बोलने से थोड़ी काम होगा, किसान तो गांव से लेकर शहर तक दबा हुआ है, गांव से पैसे लेता है किसान, सोसाइटी से लेता है, आम किसी पड़ोस से मिल जाता है वहां से ले लेता है, कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है किसान, आढ़ती से लेता है, बाजार में सामान वो उधार लेता है, किसान बिल्कुल दबा हुआ है, ये इसकी बहुत गंभीर समस्या है सारे देश की, अगर इस पे किसान को अगर इग्नोर किया जाएगा तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो झूठा साबित होगा। बिल्कुल, देखिए आखिरी फिर हम एक बार मान साहब के पास आएंगे, मान साहब आखिरी 2 मिनट हमारे कार्यक्रम में बचे हैं और हम चाहते हैं कि आप एक बार ये बता दें कि सरकार कैसे जय किसान वाला बजट लेकर आए, बहुत छोटे शब्दों में देश के वित्त मंत्री को ये बता दें कि आप ऐसे करें ताकि देश का किसान खुश हो। सरकार पहले तो इस बजट में एक ही झटके में किसान और मजदूर को कर्ज मुक्त करे, और जो इनके मैनिफेस्टो में है, प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के टाइम में 16 जनसभाओं में बात कही थी, लागत का 50% जोड़ करके हम किसान को फसलों का मूल्य देंगे, बस अब की बार तो वो इसी को लागू कर दे। और आज क्या हालत है मैं छोटे बताता हूँ, आज हम खेती में अगर 100 रुपये खर्च करते हैं तो मुझे 60 रुपये मिल रहे हैं, अगर ये पद्धति लागू होगी मैं 100 रुपये खर्च करूंगा तो मुझे 150 रुपये मिलेंगे, निश्चित तौर पर ये लाभकारी खेती का धंधा बन जाएगा, आत्महत्या रुक जाएंगी, और अगर इस बार में एक ही कदम अगर वित्त मंत्री जी उठाते हैं तो ये जय किसान बजट नहीं, जय 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 किसान बजट साबित होगा। बिल्कुल, देखिए किसानों ने जिस तरीके से कहा कि कर्ज माफी हो और जिस तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, आढ़तियों ने कहा कि कुछ जो मार्केट फीस है उसको लेकर जो तमाम चीजें हैं वो सरकार अपनी तरफ से उस बारे में गंभीरता दिखाए, इसके अलावा टैक्स जो स्लैब है उसमें बदलाव हो, इस तरह की जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं करनाल के जरिए करनाल के जो लोग हैं उनके मन की बात है और ये चाहते हैं कि देश के वित्त मंत्री इन तमाम चीजों को, इन तमाम बातों को गंभीरता से लें और 1 फरवरी को जो बजट पेश करें उस तमाम बजट में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए देश के लिए वो ऐलान करें जिससे हर वर्ग को राहत मिले। फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में यहीं तक, आगे हमें दीजिए इजाजत, आगे आपको और लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि MHON न्यूज की जो बजट यात्रा है वो कहाँ पहुंचती है और किस तरीके से अलग अलग जो वर्ग है, अलग अलग जगह के जो लोग हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं।